छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक का एक ऐसा गांव जहां आजादी के 70 वर्ष बाद भी ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल सका है, वो गांव है मैनपुर ब्लॉक का वनांचल ग्राम तौरंगा। जबकि गांव के बीच से होकर 33 केवी की बिजली गुजरती है, लेकिन गांव के लोग अंधेरे में अब भी रहने को मजबूर है। इसे दिया तले अंधेरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। चुनाव के वक्त चुनावी वादा बनकर रह गया है। हर बार लोग नेता के आश्वासन में बिजली को लेकर ठगे से रह जाते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। इन 70 सालों में सरकार ने यहाँ के मूलभूत सुविधाओं से जनता को निजात दिलाने की कोई पहल नहीं की, जबकि इसी गांव के स्वर्ग कहे जाने वाले विश्राम गृह में राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज ठहर चुके हैं। चाहे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो या कांग्रेस पार्टी के श्याम चरण शुक्ल, विद्या चरण शुक्ल, लेकिन गांव का किसी ने सुध नहीं लिया। आज भी ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, जबकि सरकारें चौतरफा विकास का दम भरते हैं। आपके गांव में लाइट नहीं है? हमारे गांव में लाइट नहीं है, लाइट का ही समस्या है। और सभी लोग नेता लोग आते हैं, वही कहते हैं कि बस चुनाव के बाद लग जाएगा, चुनाव के पहले लग जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते चुनाव भी निकल जाते, जीत जाते हैं, उसके बाद ना आना है ना पूछना है। यहाँ लाइट का ही समस्या है, लाइट है, पानी गांव के पीछे से भी गांव, हाँ पीछे से है वायरिंग, पीछे से कनेक्शन है पूरा देवभोग वाली, वो लाइन पीछे से गई है, लेकिन गांव तक कोई सप्लाई नहीं है। आ जाएगा कल आएगा करके कहते हैं, बाद में देखते ही नहीं, धोखा दे देते हैं, आते ही नहीं है, देखते नहीं, पूछते नहीं। चुनाव तक के सभी बोलेंगे हाँ अब लाइट लग जाएगा, इसके बाद लगा देंगे, इस साल हो जाएगा, अब ये होगा वो होगा करके, लेकिन चुनाव के बाद जीतने के बाद सभी भूल जाते हैं, आना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे गांव तरंगा पंचायत में आज तक के लाइट नहीं लगे है। क्या परेशानी होती है यहाँ? सब चीज़ के परेशानी है, किसानी के भी, और लाइट भी ऊर्जा वाला दे हैं, वो कभी एक घंटा दो घंटा जलते। नेता मन बोलते कि अभी ये चुनाव होने दो, उसके बाद लगा देंगे, कहते कहते कई नेता आए, कई नेता गए, लेकिन कोई नहीं लगवा रहे हैं। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गांव के बीच सामने से लाइन गए है, लेकिन लाइट नहीं आते, आज आही काली आही ऐसे करते हैं, लेकिन लाइट है नहीं आते, तो हमारा बहुत असुविधा है भाई। हमारे गांव में लाइट जरूरी होना चाहिए। यहाँ नेता मन बड़े बड़े अधिकारी मन आते, अरे देंगे बिजली, लाइट आएगा तौरंगा में, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं आ पाते हमारे तौरंगा में। सामने से भी गए है लाइट, हाँ वंधियार में हन, और सौर ऊर्जा के लाइट हरे, वो तो जले भी नहीं, अप डाउन होते, बैटरी के लिए बोलते हैं, लेकिन बैटरी नहीं लाते हैं। यहाँ तो लाइट परेशानी चल रही है, सोलर लगा दे बार बार, वो तो कोई मतलब नहीं है। आवा थे सर्वे करके ले जाते हैं, कोई भी ले जाते ना, तो वो तो बस कागज काम दबा देते। हाँ वो पीछे से गए है बड़े लाइन, तो बार बार आवेदन भी दे चुके हैं, उसको ध्यान देते कि नहीं। नेता मन बस हो जाएगा, लग जाएगा बोलते हैं, सर्वे करा लेते हैं, तो होता ही नहीं। बहुत परेशानी है बिजली के बारे में। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे एवं वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने बताया कि इस पूरे समस्या को लेकर सीएम भूपेश बघेल को अवगत करवाया गया है, एवं सीएम बघेल ने जिले के कलेक्टर को भी पत्र प्रेषित कर वस्तु स्थिति की जानकारी चाही है। जल्द ही गाँव में बिजली की सप्लाई मुहैया कराई जाएगी। निश्चित तौर पे वहाँ पे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। वैकल्पिक तौर पे वहाँ पे सोलर द्वारा वहाँ पे अभी विद्युतीकरण लोगों को दिया जा रहा है, परंतु वही पर्याप्त नहीं है। लोगों द्वारा लगातार शिकायत आ रही है कि वो एक से दो घंटा बस जलती है और उसके बाद बंद हो जाती है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को भी पत्र दिया है, वो पत्र माननीय कलेक्टर जी को आ भी गया है कि वहाँ पे जो यथासंभव विद्युतीकरण करना है बोल के। कुछ तकनीकी फॉल्ट वहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा फॉरेस्ट जोन होने की वजह से, परंतु उसे भी हम फॉरेस्ट अधिकारियों से बात करके सुलझा लिया जाएगा और आगामी दिनों में एक सकारात्मक पहल देखने को मिलेगा और क्षेत्रवासियों को और तौरंगा के हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को वहाँ पे विद्युतीकरण से लाभ मिलने लगेगा।
नहीं, हमारा पूरा प्रयास है कि अन्य जो मूलभूत सुविधा है बिजली के अलावा, उसको हम पूरे ग्राम पंचायत के माध्यम से मुहैया करा रहे हैं। बात रही बिजली की, तो बिजली में जैसे यहाँ जो है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये गांव आता है, और जैसे यहाँ पे बिजली की लाइन भी इस गांव की ओर से गया हुआ है, तो फॉरेस्ट विभाग से हम एक फॉरेस्ट विभाग को भी लिखेंगे, जो साहब को रिफो साहब को, जो भी नियम प्रक्रिया के अंतर्गत जो पालन करते हुए अगर यथासंभव हो सके तो यहाँ पे बिजली के लिए क्लियरेंस दे, ताकि यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधा बिजली के रूप में प्राप्त हो सके, ताकि ये गांव भी अन्य गांव के तरह बिजली आने के बाद जो प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार जनता की मांग पर सरकार कितना खरा उतरती है। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं नेहा। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए अभी ही छत्तीसगढ़ विजन के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।